CBS online class में myself Mrs. Divya Nag, I am your new class teacher. तो बच्चों जैसे कि कोरोना पीरियड चल रहा है आप सभी इस बात से भली भांति अवगत हैं और जो क्लासेस अभी आप स्कूल में आकर पढ़ते वो संभव नहीं है, इसीलिए जीनियस ने ये पहल की है कि ऑनलाइन के माध्यम से हम जो शिक्षा की गति है उसे अवरुद्ध ना करके आपके समक्ष उस शिक्षा को भेजे, इसलिए ये ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है जिसका आपको बहुत अच्छे से उपयोग करना है और पूरा पूरा लाभ लेना है। तो बच्चों टुडे योर टॉपिक इज अल्फाबेट। देखिए बच्चों आपका जो आज का विषय है वो है अल्फाबेट और सब्जेक्ट है इंग्लिश। आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी और अलग अलग डे में अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको मैं सेंड कर दूंगी। तो आज हम पढ़ेंगे अल्फाबेट। लुक हियर स्टूडेंट, अल्फाबेट। बच्चों आप लोग अल्फाबेट के बारे में जानते हो कि इंग्लिश वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, है ना? देयर आर 26 जो लेटर्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे तो आप उनको जानते ही हो लेकिन पिछले कई दिनों से हम उसको पढ़ नहीं रहे हैं इसलिए हो सकता है कि हम भूल भी गए हो, तो आज हम उसको रिवाइज करेंगे और डे बाय डे नेक्स्ट जैसे जैसे दिन होते जाएगा हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते जाएंगे, हा? तो आप लोगों की जो कॉपीज है इंग्लिश कॉपीज है ना उनको आप ओपन करेंगे तो 4 लाइन होगी आपकी कॉपी में, तो आपको बिल्कुल सीक्वेंस में जमा कर उसको लाइन पर ही आपको लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे ए फॉर एप्पल। तो ऊपर की ये जो 3 लाइन दिख रही है बच्चों आपको इसी लाइन में ही लिखना है, 4 लाइन जो है ना नीचे का इसको आपको छोड़ना है। ये है ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grass, H for hen, I for ice cream, J for jug. K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for owl.